हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 13 अध्याय श्लोक संख्या 29, श्लोक संख्या 19, 19 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक को पाठ करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, प्रतिक्रिया न जस्य उतश्चित कर्हिचित् प्रभु सैष भगवान काल सर्वेषां न समागता। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे। तात्पर्य, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। ये सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहे, जैसा कि वो इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 10वां अध्याय 34 नंबर श्लोक में कहा है, इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उनके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतः वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या। जो गुंता में ब्रह्मा के आवास के ग्रहलोक ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि को, जहां कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वही वही जन्म रोग बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजय। तो इस प्रकार ये जो हमारा 19 नंबर श्लोक है, इस श्लोक में हम लोग देख पा रहे हैं कि धृतराष्ट्र को विदुर कितना प्यार से समझा रहे हैं। देखिए भाई साहब, प्रॉब्लम ये है इस जगत का कि कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन ये जो वृद्धावस्था है ना, ये मृत्यु के आगमन की सूची है, सिम्टम है, लक्षण कि मृत्यु आपका होगा। जो व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो रहा, दैट मीन्स कृष्ण की हेतु की कृपा है उन पर, और जो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, दैट मीन्स जमराज घर से निकल गए उनको पकड़ने के लिए। ये कुछ पॉइंट है जिसके माध्यम से, जिस सिम्टम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं। जिसने जन्म लिया उसको मरना है। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च,
मतलब जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसीलिए हम सबको ये चीज पूरी तरह से डिटरमाइंड ले लेना है, समझ लेना है कि हम कोई भगवान के इतने महान भक्त नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखे कि धृतराष्ट्र को ही उपदेश नहीं था, मृत्यु सिर्फ धृतराष्ट्र के ही, धृतराष्ट्र को ही नहीं पकड़ेंगे, युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त को भी पकड़ लेते हैं। संसार में क्रूर मृत्यु से कोई भी बच नहीं पाया आज तक, ऑल्सो इन फ्यूचर, भविष्य में भी कोई मृत्यु के चंगुल से नोबडी कैन एस्केप, कोई भी बच नहीं सकता। तो इससे हम लोग को एक ही चीज समझना है कि मेरा भी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो मेरा मृत्यु जो अवश्यंभावी है तो क्यों ना मृत्यु से पहले जो क्रिया है, मृत्यु से पहले की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु की पराजय, मृत्यु को हम लोग हरा सकते हैं और अमर हो सकते हैं, उसको प्राप्त किया जाए। व्हाट इज दी, क्या है वो चीज? वो चीज है भक्ति, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमारा मृत्यु कभी नहीं होगा। अभी बोलेंगे कैसे नहीं होगा, प्रभुपाद क्या नहीं मरे? प्रभुपाद मरे नहीं, एक्चुअली जो आचार्य होते हैं वो सिर्फ इस देह को छोड़ देता है, उनका नवीन जीवन शुरू होता है। तो बोलेंगे ठीक है, मैं भी नवीन जीवन शुरू करूंगा। ठीक है, आपका नवीन जीवन जो शुरू होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे सरकारी नौकरी और एक ग्रोसरी शॉप खोलो, अभी चल रहा है, कोई गारंटी नहीं कि ये चलेगा। लेकिन जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त किया उसका हर महीना में वेतन आएगा, एवरी मंथ हर महीना में उसका वेतन मिलेगा। लेकिन आपके दुकान का कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं वो सरकारी नौकरी की तरह, वो इस शरीर को छोड़कर सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। और हम सब जो भक्ति नहीं करते या जो भक्ति नहीं करते, हम सब है, हम सब भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना में इतने हैं, सोलमाला का जप करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन पता नहीं अगले जीवन में कुत्ता बनेगा या लाकड़ा बनेगा या गधा बनेगा या चील बनेगा या गिद्ध बनेगा, कोई गारंटी नहीं है नेचर के अनुसार। जैसे उस दिन लक्ष्मी बोल रहे थे कि एक व्रत है, बर्थ के दिन अगर तेल खाएंगे तो तेल चट्टा बनेगा, चीनी खाएंगे तो अगले जीवन में चिंटी बनेंगे, ठीक है, मालपुआ खाएंगे तो अगले जीवन में बड़ा बड़ा सिंग वाला कुछ बनेंगे, क्या बोल लेते तो उस दिन कुछ नहीं खाना है, निराहार रहना है। क्या बर्थ है? अर्तालिका का तीज, ऐसा व्रत है, व्रत में नहीं खाना चाहिए। तो खैर, हम सब कलयुग के प्राणी इतने व्रत पूजा जप ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम सबको दिए हैं होलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार गोरागाव मधुर सुर। हम लोग मुख से जस्ट हरिनाम करके ही कृष्ण भक्ति को अर्जन कर सकते, मुख के द्वारा ही सब कुछ संभव है। मुख के द्वारा भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, मुख के द्वारा पैसा कमाया जा सकता है, मुख के द्वारा सब कुछ होता है। जीवा वाणी वर्ड्स के द्वारा ही सब कुछ संभव है इस संसार में। तो कलयुग में इसका बहुत ही प्रभाव। तो इस प्रकार यहाँ पर जो धृतराष्ट्र को विदुर जो समझा रहे हैं कि हे स्वामी, स्वामी शब्द क्यों उल्लेख किए हैं? स्वामी शब्द कभी कभी, जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि मूर्खों को उनके कहे अनुसार, मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि पागल को अगर आप जितना भी उपदेश दे वह आपको उल्टा पाठ पढ़ाएगा, लेकिन अगर बोले अच्छा ऐसा है सच में, ऐसा अगर बोलेंगे तो वो उत्साह पाएंगे और उसके बाद आपकी बात भी सुने पागल।
लेकिन पागल से पहले ही तर्क वितर्क, अरे तू मूर्ख है, तू क्या जानता है, ऐसा बोलेंगे तो वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जब उसको प्रशंसा करेंगे, ओह अच्छा आपके पूरा परिवार एकदम पूरा धन संपत्ति से भरा हुआ है, आपका नाना नानी जो वो थे वो लोग भी गरीब नहीं थे, ना 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 वो लोग तो महान ज्ञानी थे, महान धनी थे। तो जब वो बोलना चालू करेगा उसके बाद जब आप लेक्चर मारेंगे ना, वो चूहा बन जाएगा। जो शेर था बिकम रेट, चूहा बन जाएगी, माउस की तरह बन जाएगी, माउस बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, जैसा चलाएंगे वैसे चलेंगे। कब? पहले उनकी बात सुनना। तो चाणक्य पंडित ये चीज बोले, मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। तो विदुर क्या कर रहे हैं यहां पर, मूर्खों को हाथ जोड़ के, हे स्वामी, हे स्वामी शब्द उल्लेख, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आप पहुंचे। काल जो है ना, काल समय, वो भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का एक रूप है, कृष्ण का एक स्वरूप है। तो कृष्ण अभी हमारे बीच में किस रूप में आए हैं, समय के रूप में। इसीलिए हम सबको समय रहते हुए ही समय का ध्यान रखना, अर्थात समय के द्वारा समय की पूजा करना। कृष्ण जो अगर समय है तो मृत्यु भी कृष्ण है, तो मृत्यु को जीतने का एकमात्र उपाय है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो श्री कृष्ण हम लोग को एश्योरेंस देंगे, सांत्वना प्रदान करेंगे, आश्वासन देंगे, तब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जिसके माध्यम से विदुर अपने भाई भैया धृतराष्ट्र को समझाए। उसके प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि संसार में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार भी किया है, लेकिन कोई भी आज तक, नोबडी आज तक कोई मृत्यु के चंगुल से, मृत्यु के पंजे से, क्रूर पंजे से कोई भी बच नहीं पाया। कितना बड़ा बड़ा मतलब ये हुआ, आविष्कार हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंजीनियर, इंजीनियरिंग, कितना कुछ संसाधन आए, लेकिन वैज्ञानिक आज तक बुढ़ापे को रोक नहीं पाए और मृत्यु को रोक नहीं पाए। इसलिए प्रभुपाद इसी चीज को बारंबार बोलते थे, अभी भी बोलते पुस्तक के माध्यम से। वैज्ञानिकों के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जो जीवन की हमारी जो समस्याएं हैं कि बुढ़ापे और मृत्यु। कोई भी व्यक्ति बुढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को ग्रहण नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज आता है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम लोग को फोर्स करता है, उस शक्ति को समझना है। और उस शक्ति को समझने के लिए एकमात्र आधार है कृष्ण भक्ति, अन्यथा हम लोग उसे समझ नहीं सकते, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहे, जैसा कि उसके पूर्व कह चुके थे, किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता है, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दशम अध्याय के 34 नंबर श्लोक में इस चीज का वर्णन किया है, साक्षात मृत्यु कालोस्मि, भगवान बोलते कि मैं साक्षात काल हूं, कालो मतलब मृत्यु। तो हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु एक ऐसे व्यक्ति विशेष था जिन्होंने अमर होने के लिए उग्र तपस्या किया था। उग्र तपस्या का अर्थ क्या होता है? उग्र मतलब होता है कठिन, जिसे खाना है सात्विक भोजन और लसुन प्याज का खाना, कैसा लगता है, कैसा दुर्गंध आता है, वहां पर ठहर नहीं सकते। लसुन प्याज का खाना कितना उग्र होता है, और सिंपल सादा भोजन
इतना सुंदर स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार तपस्या भी अलग अलग होता है। तपस्या, एक तपस्या जिसके द्वारा कृष्ण से प्रेम किया जाता है, कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है, और एक तपस्या है खुद की इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना। हम लोग जो निर्जला उपवास करते हैं, जन्माष्टमी में उपवास करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? अमर बनने के लिए? नहीं, कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है इसको दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, किंतु हिरण्यकशिपु जो साधन अपनाए थे, हिरण्यकशिपु जिस तपस्या के लिए बन गए थे, उनका उद्देश्य क्या था? कि मैं भगवान बनूंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूं, और इस भावना से वो गए थे। कहां पर? तपस्या करने के लिए जंगल गए थे। कौन सा? मलय पर्वत। मलय पर्वत मतलब मलेशिया, हिमालय पर्वत, जो भी है। विभिन्न युगों में विभिन्न पर्वत में जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो शूटिंग करते हैं ना, भगवान के जितने सारे पार्षद है विभिन्न जगह में शूटिंग करते हैं, कभी पृथ्वी लोक में शूटिंग करते हैं, तो कभी दूसरे ग्रह मंडल में शूटिंग करते हैं। तो शूटिंग प्लेस अलग अलग चेंज होता है। तो कभी हिमालय पर्वत, तो कभी मलय पर्वत, तो कभी गंधमादन पर्वत, तो कभी मंदराचल पर्वत तपस्या करने के लिए। ट्रेन, भारतीय ट्रेन एक ही है, भारतीय रेल एक ही है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हावड़ा से ही छोड़ता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई जम्मू कश्मीर जाते है, कोई मुंबई जाते है, कोई पुणे जाते है, कोई नागपुर जाते है, कोई जगन्नाथपुरी जाते हैं, कोई कानपुर जाते हैं, कोई वृंदावन जाते हैं, कोई हैदराबाद जाते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारी जो गति, हम लोग कभी यहाँ जन्म लेते हैं, कभी वहां लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के जो पार्षद है वो लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड में अपने लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। लीला वही रहता है, जस्ट जगह प्लेस चेंज होता है। तो हिरण्यकशिपु गए थे इस प्रकार तपस्या करने के लिए कि मैं अमर बन जाऊं, कभी भी ना मरूं। ठीक है, और उन्होंने इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, तपस्या करते 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 पूरा हड्डी पसली, पूरा हड्डी निकल गया था, पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये कौन है, लेकिन ब्रह्मा की कृपा से उनको पुनः जीवित किया गया, उनका उनके शरीर में मांस पेशियां एवरीथिंग दे दिया, और फिर ब्रह्मा से बातें करने लगे। तो ब्रह्मा बोले कि अरे मैं तो थक गया आपका तपस्या का आवाज सुन सुन के, बोलिए क्या चाहिए, आपका तो रेडियो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटा चलता रहता है। ठीक, तो बोले कि मुझे तो अमर बनना है। बोले पागल की तरह बात करते है, भागो यहां से। बोले कि क्या, तब मैं फिर से तपस्या स्टार्ट करूंगा। बोले कि नहीं 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 बाबा, आपका तपस्या सुन सुन के मेरा कान एकदम पूरा पर्दा फट गया है। बोले कि तो मुझे मेरी इच्छा को पूरी कीजिए। बोले कि क्या इच्छा है? बोले कि अमर बनना है। बोले कि तुम्हारा कुछ अकल ठिकाना है कि नहीं? संसार में कोई बचता है? ये मर्तलोक है, मर्तलोक में सभी जो भी आते मरते हैं, हम भी मरेंगे, हर कोई मरता है, इसीलिए तो तपस्या किया कि ताकि दूसरे लोग मरेंगे, लोग तपस्या नहीं करता। मैं तपस्या करके अगर मरूंगा तो तपस्या करके लाभ क्या है? तो ब्रह्मा को भी पूरी तरह से एकदम कंफ्यूजन में डाल दी, क्या करे। तो उन्होंने सोचा हिरण्यकशिपु ने कि डायरेक्ट मांगने से तो देंगे नहीं, इनको दूसरे पॉइंट से लिया जाए। एग्जाम्पल के रूप में कोई इस्कॉन डिवोटी किसी माता जी के पास, किसी प्रभु जी के पास गए, 20,000 रुपया दीजिए। राइट, क्या क्यों देंगे 20,000 रुपये? लेकिन अगर आप बोलेंगे हम लोग, हमारे नासिक में कुंभ मेला हो रहा है, तो वहां पे हम लोग 1,00,000 भगवत गीता डोनेशन करेंगे, उनमें से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 100 भगवत गीता अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो 17,000 इतना लाइक दैट इतना कुछ होगा, तो आपको 15,000-20,000 रुपये डोनेशन करना है। तो बोले अच्छा ठीक है, ये पुण्य काम है,
आपका कुंभ मेला के समझ में अगर डोनेशन हो तो अच्छा है, तो वो इजीली आपको दे देंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर मांगेंगे तो कोई नहीं देंगे। डायरेक्ट अगर मांगेंगे मुझे 20,000 रुपया दीजिए, मैं इस्कॉन का डिबोटी हूँ, फिर भी नहीं देंगे। लेकिन अगर एक कारण बताएंगे कि हम लोग ये काम करेंगे तो दे देंगे। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु ने इस्कॉन डिबोटी का चाल सोचा कि कैसे गीता कलेक्ट करना है। जैसे मेटेरियलिस्टिक पर्सन से मतलब पैसा कलेक्ट करना है, तो इसे हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ब्रह्मा के पास बहुत कुछ है, जो भी चाहे वही दे सकता है। तो डायरेक्टली ना मांग के मैं इनडायरेक्टली बोलूं, अच्छा ठीक है मुझे बचने का ऑप्शन दीजिए। क्या ऑप्शन? कि दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, घर में भी नहीं, घर के बाहर में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, पृथ्वी में भी नहीं, ऐसे कुछ वरदान दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है जाओ तथास्तु। तो उन्होंने मन में मन ही मन सोचा हिरण्यकश्यपु, अरे मूर्ख है ये, अरे जो चीज इनडायरेक्टली दी हो तो डायरेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम था, मैं तो अभी अमर हो गया है ना, मैं तो पूरी तरह से अमर हो गया। जो चीज इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली में देना चाहिए तो इनडायरेक्टली दे दिए। संसार में क्या घर है और घर का बाहर है, इससे परे कुछ दूसरा चीज है? संसार में पृथ्वी और आकाश, इससे बढ़कर कुछ है? अस्त्र है और शस्त्र है, इससे बढ़कर कुछ बाकी चीज है? तो मैं मरूंगा कैसे? इसका मतलब ब्रह्मा फंस गया। जैसे दुर्योधन ने भी सोचा था, जो भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे अर्जुन और दुर्योधन, तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे ओके मेरे पास दो ऑप्शन है, बताइए क्या चाहिए, 17-7 अक्षयनी नारायणी सेना और दूसरे पक्ष में मैं अकेला, वो भी युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन बोले कि ठीक है जब आपकी यही इच्छा है तो मैं 7 अक्षयनी सेना ले लेता हूँ। उसके बाद अर्जुन बोले कि मुझे कृष्ण तो आप ही चाहिए। तब दुर्योधन का जो चेहरा है ना, सच में बी आर चोपड़े के महाभारत में वो जब भी मैं देखता हूँ वो एक सेकंड का सीन हार करके मतलब वो मुंह पर हाँ फाड़ देते हैं, कितना मूर्ख है अर्जुन। मुझे बहुत हंसी आता, मैं तो पीयूष कर करके 20 बार देखा हूँ, एक ही सीन को 12 बार रिपीट कर करके देखता हूँ, हार करके ऐसे मतलब बोले कि मैं कितना जीत गया है। दुर्योधन अर्जुन कितना गधा है, कुछ भी बुद्धि नहीं है इनके पास। एक निहत्ता व्यक्ति से मतलब सपोर्ट कैसे क्या कर पाएंगे, वो पूरा मरना है सब। तो जो असुर होते हैं ना वो इस तरह ठग जाते हैं, जो असुर होते हैं वो इस तरह ठग जाते हैं। उस प्रकार इस संसार में जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा वो सब असुर है, और वो उसी तरह ठगेगा जैसे दुर्योधन ठगे थे और हिरण्यकश्यपु ठगे थे। यद्यपि अपने आप को फील कर रहे कि आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मेरे पास करोड़ों करोड़ों का जायदाद है, संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किसी भी टाइम आप ठग सकते और ठग रहे। तो जो भी है, जो अल्टीमेट जो पॉइंट था हमारा कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना है क्या, जो गुंता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक में से कहीं निम्न कोटि के। ब्रह्मलोक कितना बड़ा है और कितना ब्यूटीफुल है, और पृथ्वी लोक क्या है, कुछ भी नहीं उनके सामने, बाथरूम है और वो 10 तला बिल्डिंग है। तो जहां कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वही वही जन्म रोग बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराज है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। तो इस प्रकार चलिए विदुर तो समझा रहे धृतराष्ट्र को, अभी धृतराष्ट्र आगे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रसंग है, आज का जो कथा, आज का श्रीमद् भागवतम का जो हमारा 200 लोग पाठ किए 18 और 19, यही पर हम लोग विराम देंगे। अगर कुछ प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, अन्यथा कथा को यही पर हम लोग विश्राम या विराम देते, ठीक है? ठीक है माता जी, ठीक है।
वांछा, ठीक है प्रभु जी। हाँ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।